ऐसा क्या हम उपाय करें कि इंस्टेंट हमें कोई रिलीफ मिल जाए, हमें आराम आ जाए, सुकून आ जाए, बिगड़ते हुए काम बनने लग जाए। रस्सी का आपने ले लेना है, थोड़ी सी रस्सी भी चल जाएगी आपकी। ऐसे आपने रस्सी लेनी है, काट लेनी है, थोड़ी लंबी लेनी है, लेकिन उस पे आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ऐसे रुई को आपने लगा देना है अच्छी तरह से। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, फ्री का उपाय है बाबा रे बाबा। ऐसे आपने अच्छी तरीके से रुई को लपेट लेना है और इसको भिगो लेना। किसमें भिगोना है आपने? सरसों के तेल में भिगो लेना है। किसमें? सरसों के तेल में। सरसों के तेल में आपने इसको भिगो लेना है, रुई को अच्छी तरीके से इसको लपेटना है आपने। आपने किसी चिमटे से पकड़ लेना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। रुई को आपने सरसों के तेल में भिगो लिया, पहले आपने इसको वारना है। क्या करना है? सर से जिसके भी ऊपर से आपने उपाय करना है, जैसे कुछ भी काम अटका हुआ लग रहा है आपको, कुछ भी काम सरसों के तेल में भिगोना है, ऐसे रस्सी पे लपेटना है, ऐसे इसको चिमटे से पकड़ लीजिए, 21 बारी 31 बारी 7 बारी उल्टा उल्टे कान से वारना है इसको। वारने के बाद आपने इसको जलाना है और नीचे पानी का कटोरा रखना है, इसमें से आपको बदबू आएगी। दूसरा, ये पानी में जितनी आवाज करके गिरेगा उतना ही भारी आपके ऊपर कष्ट होगा, तंत्र मंत्र होगा या आपके ग्रह नेगेटिव होंगे।